मोकामा इलाके की कारोबारी पर भारी देनदारी, आर्थिक परेशानी से आहत है दुकानदार। बीते दिनों माहों तक कारोबार ठप रहने के बाद अब जाकर मार्केट गुलजार तो हुआ है, लेकिन ग्राहक के इंतजार में आज भी दुकानदारों की आंखें पथरा रही है। कारोबारी बताते हैं कि सरकारी फरमान का पूरा ध्यान रखा जाता है। संवाददाता द्वारा पूछे जाने पर कारोबारी ने कोरोना को दुखती रग माना। श्याम मार्केट में हूँ और मेरे साथ कपड़ों के व्यापारी नमनी सिंह हैं। नमस्कार नमनी जी, मेरे कुछ प्रश्न आपसे हैं। कोरोना का दौर चल रहा है, आप इस संक्रमण से बचने के लिए कितने सतर्क हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है और इससे बचने का ना ही कोई दवा है ना ही कोई वैक्सीन है, तो इससे बचने का एक ही उपाय है जो कि प्रिकॉशन है। तो बस हमें इससे बचने के लिए प्रिकॉशन ही बरतना पड़ेगा। तो इसके लिए हम दो लेवल का प्रिकॉशन बरतते हैं, पहला पर्सनल लेवल, दूसरा प्रोफेशनल लेवल का। तो पर्सनल लेवल पे हम जब भी बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं और घर आने पर अच्छी तरह से हैंड वॉश करते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो नहा भी लेते हैं। और प्रोफेशनल लेवल पे जैसा आप जानते हैं कि हम एक दुकानदार हैं, दुकानदार होने के नाते वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो इससे बच यहाँ पे कोरोना फैलने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है। तो उससे बचने के लिए हमने अपने दुकान के बाहर एक हैंड सैनिटाइजर का बॉक्स रखा है और वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस के तौर पे लिखा गया है कि आप दुकान में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइज करें और मास्क को प्रॉपर तरीके से पहनकर ही दुकान में एंट्री करें। तो ऐसा लिखने से हम वहाँ पे संक्रमित लोग आते हैं तो वो संक्रमण नहीं फैला पाएंगे इस इंस्ट्रक्शन को अगर फॉलो किए तो। तो इस तरह से हम अपने दूसरे कस्टमर, दूसरे दुकानदार और लोकेलिटी को बचाते हुए और आप खुद को बचाते हुए इस कोरोना काल में अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, लॉकडाउन के वजह से आपके धंधे पे कितना असर पड़ा है? जैसा आप जानते हैं कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो इंडिया में सारा कुछ बंद था, तो मेरा भी बिजनेस बंद ही था, तो जिसके कारण कि जो भी इन्वेस्टमेंट हमने किया था उससे पहले उस पर कोई रिटर्न नहीं आ रहा था, तो वो मंथ बहुत ही मुश्किल था सर्वाइव करना, बट किसी तरह से हमने सर्वाइव किया। और दूसरा टेंशन ये भी था कि बिना कुछ इनकम का मुझे रेंट भी देना है, तो रेंट देने का भी टेंशन था बिना कुछ इनकम का। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि हमारे जो ऑनर हैं उन्होंने बोला कि आपको जब भी रेंट हो तभी आप देना, ये नहीं कि कोई टाइम बाउंडेशन है आपको 1 मंथ में देना है, 2 मंथ में ही सारा दे देना है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि ठीक है जब हो जैसा हो आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हमारी मुश्किलें जो बढ़ी हुई थी, जो टेंशन था दिमाग में, वो थोड़ा कम गया है और इसी तरह से हम थोड़ा ठीक है और वो जो बिजनेस है वो ठीक ठाक चलने लगेगा फिलहाल। मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न आपसे है, बाजार खुल चुका है, ग्राहकों का रुझान अब कैसा है? जब से मार्केट खुला, जब से अनलॉक फेज 1 स्टार्ट हुआ, तो ग्राहक तो बहुत कम संख्या में आ रहे थे क्योंकि कोरोना का खौफ था उन लोगों में, कोरोना का डर था, तो इसलिए वो लोग बहुत कम संख्या में निकल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो ग्राहकों ने निकलना स्टार्ट किया और मीन्स दिन प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है ग्राहकों की संख्या में और बिजनेस भी उसी तरह से बढ़ रहा है क्योंकि बिजनेस तो टोटली ग्राहक पे ही बेस्ड है और तो कुछ है नहीं। तो इसलिए ग्राहकों का रुझान आप बोल सकते हैं तो एक पॉजिटिव वे में है, निगेटिव नहीं है। नवनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारियां हमसे साझा की। तो ये थे नवनीत जी जो बता रहे थे कि कोरोना महामारी के खिलाफ किस प्रकार लड़ रहे हैं और कैसे अपने दुकानदारों को और खुद भी कैसे बच रहे हैं, और ये श्याम मार्केट के अन्य दूसरे दुकानदारों के लिए मिसाल साबित हो रहे हैं। एसटीएफ न्यूज मोकामा। बहरहाल कोरोना से लड़ना भले आसान नहीं लेकिन उससे कहीं घातक है पेट की भूख से लड़ना।